हमने किसान आंदोलन ही हमने किया पिछली बार हमने किसान आंदोलन बनी थी लेकिन ये आपस में लड़े और सरकार नहीं रही हमारी मेहनत भी पानी मिली तो सुना आपने 2017 में मंदसौर में किसान आंदोलन किसने किया था अब इस कथित वीडियो के सामने आने के बाद किसान आंदोलन का जिन्न एक बार फिर से जिंदा होता दिख रहा है गड़े मुर्दे फिर उखड़ने लगे हैं वीडियो में दिख रहे नेता कांग्रेस के श्यामलाल जो बताए जा रहे हैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के खिलाफ चुनाव लड़े थे इधर वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने इसे लपक लिया है बीजेपी ने कांग्रेस पर शिवराज सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप जड़ा है कांग्रेस किसानों की हत्या की हत्यारी है और आज जब ये बात सामने आई तो सच सामने आ गया है कांग्रेस के उन तमाम लोगों ने जो षडयंत्र रचा था किसानों के नाम पर और मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार को बदनाम करने को लेकर के जो एक षडयंत्र रचा था वो षडयंत्र आज बेनकाब हुआ है और तो कांग्रेस मदसौर जिले के गोली कांड पर जिस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी थी उसके पर्दे के पीछे कांग्रेस के लोग आज कबूल कर रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम को उन्होंने ही अंजाम दिया था और सरकार प्राप्ति को लेकर के जाहिर है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में इस तरह के कथित वीडियो भी सामने आ सकते हैं वही वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिख रही है कांग्रेस बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने कांट छाट करके वीडियो जारी किया है एक वीडियो को काट पीट कर उसको किसी और परिप्रेक्ष के अंदर दिखाना और भाजपा का अपने पाप को धोना यह कहीं से भी उचित नहीं है और किसान भी जानता है कि कौन उसका हत्यारा है और किसने उनके अधिकारों का हनन किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सोच ने वो किसानों को भ्रमित नहीं कर सकेंगे किसान ने उनको 2018 में भी बाहर किया था और दोबारा 2023 के अंदर ऐसा बाहर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष के नेता बनाने का भी नंबर नहीं होगा छह जून दो हजार सत्रह को मंदसौर में किसान आंदोलन हुआ था इस दौरान भड़की हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी इसमें से पांच किसानों की मौत पुलिस फायरिंग में हुई थी और एक किसान की मौत पुलिस कस्टडी में इस दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर दिया रेल की पटरियां उखाड़ दी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए जेके जैन आयोग का गठन किया था जिसने जून दो में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी इस रिपोर्ट में आयोग ने पुलिस और सीआरपीएफ को क्लीन चिट दे दी थी लेकिन इस कथित वीडियो के सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है तो वही किसान भी सियासत के केंद्र में आ गए हैं शायद यही वजह है कि यह मुद्दे इसलिए भी गर्मा रहे हैं क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ है मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन का कांग्रेस कनेक्शन क्या कोई कनेक्शन था ये जो कथित वीडियो है इसकी प्रामाणिकता कितनी है इसकी पुष्टि तो अभी करना संभव नहीं है कितना ये प्रामाणिक है या जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही है वो एक अलग बात है लेकिन ना जिस तरह से उसमें कांग्रेस के एक नेता जो बताए जा रहे हैं इन्होंने देवड़ा जी के खिलाफ जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा तो ये कहानी अब ये बताती है कि चुनाव के नज़दीक आने पर इस तरह की क्लिपिंग्स इस तरह के वीडियोस जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो सकते हैं ऐसी चीज़ों की संख्या शायद बढ़ सकती है ये वीडियो कितना प्रामाणिक है क्योंकि शाम पाँच बजे एफ करने की भी बात थी उसका अपडेट भी हम लेने की कोशिश करेंगे मंदसौर से एफ दर्ज हो चुकी है ये अपडेट है और तो बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है बेहचक और ये मुद्दा आगे भी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लेकर चलेगी और कांग्रेस जैसा आरोप लगा रही है आपने सुना कि वो ये कह रही है कि वीडियो में काट छांट करके उसको प्रस्तुत किया गया किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम रहेंगे देख लीजिए एक नज़र डाल लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर एक कथित वीडियो क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देगा सवाल नंबर दो क्या कांग्रेस ने बीजेपी को फिर उसे घिरने का मौका दे दिया है सवाल नंबर तीन क्या 2023 में फिर किसान बड़ा मुद्दा होंगे मंदसौर से जो अपडेट है वो ये कह रहा है कि एफ नहीं शिकायत दी है रिटर्न कंप्लेंट पुलिस थाने में दी है बीजेपी ने कि संबंधित जो कांग्रेस नेता दिख रहे हैं वीडियो में उनके खिलाफ कथित रूप से उपद्रव फैलाने का मामला दर्ज करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की जाए तो अभी एक रिटर्न कंप्लेंट बीजेपी की तरफ से दी गई है ये अपडेट अभी अभी हमें पता चला जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए भोपाल स्टूडियो में, में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगेश जी बहुत स्वागत करता हूँ योगीराज जी योगेश यादव जी हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर सेवा दल मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ और साथ ही उमेश शर्मा जी हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन दोनों ही इंदौर की शान हैं और बड़े ही प्रखर नेता हैं अपने अपने मिजाज के और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने मिजाज पर कायम रहने वाले नेता हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी कायम नहीं रहते हैं लेकिन ये सही बात है कि राजनीति में बहुत कुछ ढुलमुल हो जाता है तो एक प्रजाति ये भी होती है जो अपने नियम सिद्धांतों और मूल्यों से हटने की कोशिश बहुत कठिन परिस्थितियों में करती है बहरहाल योगीराज जी आप किस तरह देखते हैं ये वीडियो सामने आया कथित वीडियो अभी इसकी प्रामाणिकता क्या है लेकिन बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दे के तौर पर लिया है और जैसा आपने देखा कि यशपाल सिसोदिया जी सीनियर बीजेपी के एमएलए आरोप लगा रहे थे कि ये शिवराज सरकार को उस दौरान 2017 में बदनाम करने का एक बड़ा गंभीर षड्यंत्र था जी देखिए अब ये वीडियो सामने आया है इसकी प्रमाणिकता पर तो अभी भी प्रश्नचिन्ह है बहरा लेकिन इतना तो है कि मतलब किसान आंदोलन को लेकर जैसे कि दावे किए जा रहे थे दो में भी कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस मूवमेंट का था लेकिन मतलब बड़ी बड़ी विडंबना ये है कि प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने वाला ये आंदोलन पूरे प्रदेश में कांग्रेस को तो सत्ता दिला दी लेकिन वो जिस क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ उस क्षेत्र से ही कांग्रेस साफ हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर तो वहीं ख़त्म हो गया जिस तरीके कांग्रेस यदि क्लेम करती है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र था या बीजेपी के सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है तो मुझे लगता है कि जब जनता ने वहाँ पब्लिक ने जवाब दे दिया उस आंदोलन के बाद जब चुनाव हुए तो इसको मेरे हिसाब से तो कुछ गुंजाइश बचती नहीं है लेकिन फिर भी यदि कांग्रेस को ये लगता है क्योंकि उस आंदोलन के बाद तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और डेढ़ साल सत्ता में रहे इसके बावजूद किसानों को लेकर जो पुरजोर कोशिशें उसकी तरफ से की जानी चाहिए थी उसमें भी थोड़ा सा मुझे अभाव सा लगा और वीडियो का कांग्रेस कनेक्शन जैसा कि आप ज़िक्र कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का कनेक्शन तो सारे आंदोलनों से रहता है बस पब्लिक से थोड़ा सा कनेक्शन उसका नहीं है और कनेक्शन यदि पब्लिक से जुड़ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए जी उमेश जी आप किस तरह से देखते हैं कि जैसा योगीराज जी कह रहे हैं कि मंदसौर में इम्पैक्ट नहीं हुआ था उसका लेकिन जो नेता बात कह रहे थे वीडियो में कथित रूप से वो बढ़ चढ़ कर ये श्रेय लेते हुए दिख रहे थे कि आंदोलन हमने किया और सरकार भी उसकी वजह से बनी बहरहाल एक राजनीतिक व्यक्ति जब बात करता है तो बहुत सारी बातें उसमें होती हैं कुछ छिपी होती हैं कुछ बढ़ चढ़ कर की जाती हैं आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी जिस तरह से गहरा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये आ, सरकार को कहीं ना कहीं परेशानी में डालने के लिए यह पूरा एक गंभीर प्रकरण था जिसका जिसके केंद्र में कांग्रेस थी ऐसा आरोप है बीजेपी का जी शरद जी बहुत ही आहत कर देने वाला वक्तव्य है जो अभी मैंने चैनल पर सुना मैंने पहली बार उस वीडियो को सुना है लोकतंत्र में इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण आचरण आखिर कैसे स्वीकार करा जाएगा राजनीतिक दलों में अगर आप विपक्ष में बैठे हैं आपको आंदोलन करने की स्वतंत्रता है और संविधान भी इस अधिकार को आपको प्रदान करता है और जो सत्ता पक्ष होता है आपकी इस असहमति का स्वर का वो भी अभिनंदन करता है अगर वो मुद्दे आधारित हो तार्किक हो आपके सड़क पर उतरने का भी हम अभिनंदन करते हैं अगर वो शालीन है वो संयमित है और वो उस हद हाँ तक हो के कानून हाथ में ना लिया जाए आप धरना करिए आप प्रदर्शन करिए आप बंद का कॉल करिए आप चक्का जाम करिए पर इस तरह का कि आप हत्या पे आमादा हो जाए इस तरह का आप एक भीड़ तंत्र को दुष्प्रेरित करने का अभियान चलाए और केवल यह मंदसौर का वीडियो मात्र तक का घटनाक्रम नहीं था सजन वर्मा जी के नेतृत्व में सोनकच्छ में उस तरह जितने जिस समय यात्रियों से भरी बसों पर पथराव करा गया था और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यात्री बस में बैठे थे और उन बसों को आग के हवाले कर दिया गया था जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इंदौर की सब्जी मंडी के अंदर जिस प्रकार का किसानों को उकसाने वाला प्रदर्शन करा गया था और स्वयं जीतू पटवारी जिस तरह का अभद्र वार्तालाप कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आज इस सब वीडियो ने उन सारे घटनाक्रमों का प्रमाणीकरण कर दिया है। इस वीडियो ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि एक चैन बनाकर यह काम करा गया था अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं को दी गई थी कांग्रेस पार्टी के अपने अपने इलाकों में कांग्रेस पार्टी के नेता जो थे अपने अपने इलाकों में किसानों को भड़का रहे थे और भड़का रहे थे तो मुद्दे आधारित अगर उनको प्रेरित करते तो बात अलग थी उनको उकसा रहे थे कि आप हिंसा पे आमादा हो और हिंसा के जो दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य उस समय देखने को दिखाई दिए थे वो बहुत वेदनादायक थे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोली चालान में किसान मारा जाए वो किसान चाहे मंदसौर में पांच की संख्या में मारा जाए या दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 12 जनवरी uh, uh, 1998 को 24 की संख्या में मारा जाए जिसमें एक नाबालिग विद्यार्थी भी मारा गया था दोनों ही स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण है तो राजनीतिक दलों को यह विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम अपने मंतव्य की सिद्धि के लिए किस हद तक जाएंगे हम इस हद हाँ तक उतर जाएंगे कि इस तरह का हम भीड़ तंत्र की दुष्प्रेरणा प्रदान करेंगे कि वो हिंसा पर आमादा हो जाए और हिंसा इस कदर हो जाएगी कि पुलिस को उसको नियंत्रित करने के लिए गोली चालन करना पड़े कोई भी पुलिसकर्मी आखिरी बात शरद जी कोई भी पुलिसकर्मी कोई भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोई भी डीएम इस स्थिति को कभी भी बहुत बहुत अंतिम स्थिति होती है कि गोली चालन दिया जाए उसके पहले बहुत सारा होता है पानी छोड़ा जाता है गैस छोड़ी जाती है अगर गोली चालन की नौबत आ गई है तो नेतृत्वकर्ताओं तो ने कहीं कहीं ना उस भीड़ को इस हद तक आमादा कर दिया था कि वो पूरा का पूरा राजनीतिक आंदोलन जो था वो एक पैसा छी कावरे खड़ा हो गया था जी उमेश जी आपने सुनी आ, आ, सारी बात योगेश जी उमेश जी की आपने सारी बात सुनी जो अभियोग है उस वीडियो की कितनी प्रामाणिकता है अभी हम नहीं कहते लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है और जो नेता उसमें बताए जा रहे हैं वो उसी रीजन के बताए जा रहे हैं और गहलोत जी से वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उसके राजनीतिक क्या निहितार्थ हैं ये तो वही समझेंगे लेकिन आप पूरे मामले को किस तरह देखते हैं और क्या कांग्रेस की तरफ से आपकी टिप्पणी है जी देखिए शरद जी मैं आप ही की बात से शुरू करता हूं यदि नेता अपने से बड़े नेता को देखता है तो उसके अंदर शब्दों का उत्साह और बढ़ चढ़ कर बात करने की एक आ, जिसको कहते हैं एक आदत होती है कि अपने आप को प्रदर्शित किया जाए ये आंदोलन को मैं और इस पूरा जो वीडियो आप प्रस्तुत कर रहे हैं मैं इसको औचित्यहीन मानता हूं क्योंकि ये प्रमाणित है कि किसानों पर गोलियां चलाई गई पुलिस के तरफ से गोलियां चली और यह भी बात प्रमाणित है कि वहां किसान मरा है अब मैं मैं यदि एक किसान हूं और उसके साथ कांग्रेस का नेता हूं तो मुझे गोली लगेगी तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कांग्रेस के नेता को वो किसान हो या कांग्रेस का नेता हो स्वाभाविक तौर पर वहां जितने भी किसान थे उसमें से कांग्रेस के नेता भी हो सकते हैं लेकिन इस बात को हम ये कहें कि कांग्रेस की तरफ से परोसा गया षड्यंत्र तो क्या इस षडयंत्र पूछना चाहूंगा कि गोली चालन की जो ऑर्डर था वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित, शासन में दिया गया या कांग्रेस ने ने कहा पुलिस वालों ने गोली चला दी भाई उमेश शर्मा बहुत संवेदनशील प्राणी हैं लेकिन मुझे आश्चर्य होता है उनकी संवेदनशीलता किसानों के प्रति अलग हटकर वो संवेदनशील पुलिस के प्रति होते हैं कि उनकी व्यवस्था बता रहे हैं वो एक कृत्य इस तरीके का था कि जहां पर किसान शांति से अपना आंदोलन कर रहा था प्रथम ये जो बात की आग जाने की घटना चलाई गई और गोलियां पुलिस की तरफ से चलाई गई और उसके बाद इसकी इस बात की कि आपके पास है वो नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके ज्योतिराज सिंधिया जी से भी पूछ लीजिए वो झंडा लेकर मंदसौर में पूछे थे तथागथित रूप से यदि हम कोई बयान कर रहे हैं तो वो नेता आपके पास सुरक्षित है उनसे भी एक बयान ले लीजिएगा ये मैं गंभीर बात कह रहा हूं आपसे क्योंकि जो किसानों पर गोली चली थी उसका मूल कारण था कि किसानों को आप प्रताड़ित करना चाहते थे किसानों पर दमन की कार्रवाई करना चाहते थे और ये कल की बात नहीं है आज की भी बात है आज प्याज का भाव देख लीजिए आज लस्सन का भाव देख लीजिए किसान अपने लस्सन को जाकर जंगल में फेंक रहा है या तालाब में डाल रहा है ये मैं किसान हूं मैं अपनी हालत जानता हूं जो सब्जी पंद्रह बीस रुपए किलो में किसान मंडी में नहीं बेच पा रहा है। वो आज साठ या सत्तर रुपए में बिक्री है मंडियों में उससे बाहर जाकर लेकिन किसान को दस पंद्रह रुपए का भाव नहीं मिल पा रहा तो किसान की स्थिति तो जस की तस है किसानों के साथ व्यवस्था है अच्छा किसानों की आवाज यदि कांग्रेस ने उठा ली तो इसमें भी आपको षड्यंत्र नजर आने लगा एक व्यक्ति ने तथाकथित होकर बढ़ चढ़ यदि अपनी बयानबाजी कर दी वो किसान भी हो सकता है तो चाहता है कि व्यक्ति अपने यह तो नहीं कि कांग्रेस का ये पूरा सड़ियंत्र, सड़ियंत्र तो इस बात का, है कि पार्टी ने गोली चलाई और गोली का दिया कि की की जाए और ये इस तरीके की कवायत भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक दुर्भाग्य थी दो में आपने भोगा है 2023 में आप पुनः भोगेंगे इस बात को क्योंकि आज का किसान उसी तरीके से पताड़ी थे अभी पूरे मध्य प्रदेश योगीराज जी ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है कि राजनीति में हम किस हद तक जाएंगे और कहाँ तक हम जा रहे हैं जैसे किसान किसान की हम बात करते हैं ये सही बात है किसान के सामने ढेरों चुनौतियां उसकी लागत फसल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य तमाम चीजें हैं और इसके बाद भी चुनौतियां कई बार यथावत बनी रहती है लेकिन इसके बाद भी वो अपनी उपज को जैसा योगेश जी कह रहे थे ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि कई बार वो अपनी उपज को ठीक निराश होकर या तो छोड़ जाता है पशुओं के लिए या फिर कहीं मंडी के बाहर इधर उधर छोड़ देता है अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए लेकिन वो हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करता है इसीलिए किसान की सहनशीलता की तुलना धरती की सहनशीलता से की जाती है कि जो व्यक्ति धरती से अन्य उपजाने का जो दुनिया के तीन कठिनतम कार्यों में से एक है वो कर लेता है वो हिंसा या आंदोलन या गोली की तरफ जाता है तो क्या उसके पीछे कोई कारण होता है बहरहाल आप राजनीति के इस चेहरे को कैसे देखते हैं क्या आपको लगता है कि राजनीति का चेहरा मुद्दों को भुनाने के लिए कभी कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता है देखिए <coughs> किसी भी हद तक जाने के लिए किसान सबसे सहज और आसान माध्यम है क्योंकि किसान न केवल कि राजनीति की धुरी है बल्कि इस पूरे देश की पूरी आर्थिक स्थिति की समृद्धि की सबका धुरी किसान है और किसानों के बिना न राजनीति होती ना आर्थिक विकास संभव है तो डेफिनेटली किसानों की जो मेहनत है किसानों का जो योगदान है उसको आप बिल्कुल कमतर नहीं कर सकते और जैसा कि आपने कहा कि वो तो मतलब धरती चीर के और फसल पैदा करता है और उससे देश का विकास होता है तो किसानों की मंशा पर कोई सवाल कभी भी कोई भी नहीं उठाता लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिक्स या जिस तरीके की प्रेरणा की प्रेरक कुछ चीज़ें हो जाती हैं और ऐसी हिंसा जब उपजती है तो वह ज़रूर एक चिंता का विषय बनता है कि आखिर चाहे राजनीति किसी भी पक्ष ने की हो लेकिन जिन लोगों की जान गई वो तो बेचारे किसान ही थे वो तो वो लोग थे जिनके घर दो, 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 दो वक्त का चूल्हा जलना बड़ा मुश्किल होता है अब ये अलग बात है कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय बड़ी तत्परता दिखाई वो वहाँ पहुँच गए एक करोड़ की मुआवजे का ऐलान हो गया तत्कालीन कलेक्टर शायद स्वतंत्र कुमार सिंह उस समय थे वो सस्पेंड कर दिए गए तो उस स्थिति में भी जब किसानों की मौत हुई थी तब भी मुख्यमंत्री जी ने उसको कांग्रेस को कैश नहीं करने दिया ये या तो उनका कुशल नेतृत्व या आप उसको कुछ भी कह सकते हैं लेकिन यह घटना इतनी बड़ी थी कि पूरे देश में पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दी थी महत्वपूर्ण बात है कि जिस मुद्दे को लेकर वो आंदोलन किया गया था वो मुद्दे वो प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं और जिसका जिक्र अभी हाल योगेश यादव जी कर रहे थे ये बिल्कुल ये वर्तमान की समस्या है मतलब अभी आठ पंद्रह दिन पहले तो लहसुन का हुआ पैंतालीस पैसे प्रति किलो बिकी है लहसुन तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस लहसुन की पच्चीस तीस हज़ार रुपये प्रति बीघा जिसकी लागत आती है वो यदि पैंतालीस पैसे में बिकेगी तो किसानों की क्या हालत होगी तो इसके लिए सरकार को तमाम इंतज़ाम करने चाहिए और सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि ये ये हर साल होता है इसके पहले भी जब प्याज को लेकर संकट उत्पन्न हुआ था तो हालांकि शिवराज सिंह चौहान जी ने पांच और छह रुपए में प्याज खरीदी थी, थी किसानों से और सड़ी प्याज भी खरीदी थी लेकिन ये नौबत बार बार क्यों आती क्या हम आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या हम कोल्ड स्टोरेज बनाने की क्षमता विकसित नहीं कर पाए पंद्रह या अठारह साल के शासन की बात भाजपा के शासन की यदि बात अपन करें और एक साल में यदि एक कोल्ड स्टोरेज भी बनता तो मेरे ख्याल से 18-20 कोल्ड स्टोरेज तो बन सकते थे और इससे ज़्यादा भी बन सकते थे तो ये जो जो बार बार जो संकट आता है उसकी व्यवस्था तो सरकार को हर हाल, हाल में करना ही चाहिए क्योंकि ये कई फसल ऐसी होती है जिसको आप ज़्यादा दिन तक सहेज कर नहीं रख सकते और लहसुन उसमें से एक फसल ऐसी है बिल्कुल उमेश जी राजनीति अपनी जगह है और हम नहीं कहते कि वो नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप राजनीति करें लेकिन उसके साथ किसानों के मुद्दे भी एड्रेस होते चलें और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस दिशा में कोशिश नहीं हुई है भरसक कोशिश हुई है दरअसल किसान का मसला ही इतना संवेदी है फर्टिलाइजर्स की लागत आप ये नहीं कर सकते कि आप सारा चीज़ें उस तरफ ही मोड़ दें और न्यूनतम समर्थन मूल्य की ये जो प्रणाली है एमएसपी की ये इसके ज़रिए सारी चीज़ें कर दें दरअसल ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल हो रहा है और शिवराज जी की तो बहुत संवेदी दृष्टि है इससे बिल्कुल इनकार नहीं है लेकिन इसका एक पूरा एजेंडा होना चाहिए कि किसानों को हम कैसे धीरे धीरे उन फसलों की तरफ ले जाएं जो लाभ की फसलें हैं और पारंपरिक चीज़ों से ये एक अलग विषय जरूर है लेकिन राजनीति के साथ किसानों का मसला दोनों पार्टियों की निगाह में उझल नहीं होना चाहिए जी उमेश जी निश्चित तो रूप से नहीं होना चाहिए शरद जी और मैं तो बहुत गौरव के साथ इस बात को आपके चैनल पर बैठकर बोलने का साहस कर पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तो किसानों के कल्याण में और कृषि के कल्याण की दिशा में देशभर में अभूतपूर्व काम करा है और इसका प्रमाण केवल कृषि कर्मण्य पुरस्कार लगातार मिलना मात्र नहीं है आप देखिए कि एक समय 18 प्रतिशत सोलह प्रतिशत की ब्याज दर किसान चुकाता था शिवराज जी 7 प्रतिशत पर लाए 5 पर लाए 2 पर लाए एक पर लाए जीरो प्रतिशत ब्याज दर कर दी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस प्रदान करने की प्रणाली को लेकर आए भावांतर योजना को लागू करा और जब उसमें यह दोष आया कि अन्य राज्यों के लोग आकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो फिर बोनस देने की प्रणाली को प्रारंभ करा गया है शिवराज सिंह जी चौहान ने तो सब्सिडिया केवल हॉर्स पावरों पर भी नहीं दी फर्टिलाइजर पर भी दिए तो हर दिशा में उन्नत बीज किसान को उपलब्ध होना चाहिए फर्टिलाइजर जो है वो गुणवत्तापूर्ण प्राप्त होना चाहिए और किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए कृषि को लाभ के धंधे में परिवर्तित करना चाहिए इन सारे संकल्पों की प्रतिपूर्ति तो संवेदनशीलता

और उस दिशा में सरकार कर रही है और मुझे लगता है कि फसलों का पूर्वानुमान और आकलन करना इस दिशा में में प्रामाणिक काम हो सकता है कि कितने रकबे कौन सी फसल बोई जानी चाहिए ताकि उत्पादन और मांग दोनों का संतुलन बना रहे और जो कीमतों का निर्धारण है वो संतुलित आधार पर हो जाए इस बात के लिए जी। शिवराज जी की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ये एक अलग विषय हो गया सरद जी आखिरी बात पर इस सारे विषय की चर्चा के दौरान हम इस बात को विस्मृत नहीं कर सकते कि आप किसानों को स्तर पर भड़काएंगे पुलिस को गोली चालन की नौबत आ जाए योगेश जी कह रहे थे कि गोली गोली चालन का आदेश मुख्यमंत्री नहीं देता योगेश जी गोली चालन का आदेश जो होता जिला कलेक्टर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में देता गाड़ियों को फूका गया जी था जी पुलिस वालों की जीपे जला दी गई थी पुलिस वालों को तरफ निशाना करके मारा जा रहा था उस स्थिति में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटा था योगेश जी सियासत नहीं होनी चाहिए जो किसान आंदोलन दिल्ली के समीप हुआ और जिसने पूरे देश और दुनिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा और जिसके चलते कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी केंद्र सरकार ने लिए कृषि कानून से जुड़े हुए हमने ये भी देखा कि ट्रैक्टर लेकर किसान लाल किला तक वो किसान थे या कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिन पर क्या कहें लेकिन किसी भी आंदोलन का जब स्वरूप हिंसा की तरफ जाता है तो कोई ना कोई उसके लिए जिम्मेदार होता है वो कौन होता है उसके पीछे कौन होते हैं लोग ये चीजें कई बार सामने आती हैं और कई बार नहीं आती लेकिन ये आप सहमत होंगे कि किसान की पीड़ा को गंभीरता से सामने रखने की कोशिश होनी चाहिए और किसान हथियार उठाएगा हिंसक होगा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बहुत ही मुझे लगता है कि संभव ही नहीं दिखता है इस पर आपकी राय हम जरूर चाहेंगे जी। किसान की भावुकता उस समय से शुरू हो जाती है जब धरती माँ का सीना चीर के वो एक एक घोषण पानी डालकर बीजारोपण करके उस फसल को अपने पसीने से तैयार करता है क्या दिन क्या रात उसके बाद राजनीति में लचीलापन हो सकता है राजनीति के अंदर किसी भी तरीके के समझौते होते हैं लेकिन किसान एक ऐसी आत्मा होती है जो सीधी और सपाट बात करता है और सीधी कार्रवाई करता है चाहे वो लाल किले का मामला हो या मंदसौर का मामला हो किसान अपनी वेदना स्पष्ट रूप से प्रकट उसका दिल और उसकी साफ रहती है है ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव उसको राजनीतिकरण करके कि किसान राजनीति कर रहा है ये बहुत दुर्भाग्य होगा और आज उमेश जी जैसे संवेदनशील व्यक्ति से मैं सुनकर बड़ा विचित्र मुझे लगा कि वो किसान को दरकिनार करके पुलिस के प्रति जो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं पुलिस ने गोली चलाई ये मा, मा, मामला महत्वपूर्ण नहीं है किसान कितने बड़े महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण यह है कि विवश होकर पुलिस को गोली चलाना पड़ेगी तो आप ये भी बता दीजिए फिर कलेक्टर को आपने सस्पेंड तो आप तो सभी बातों को सही कह रहे हैं किसानों को आप गलत कह रहे हैं किसानों को आप उगुर कह रहे हैं तो इस तरीके की मानसिकता इसलिए प्रकट नहीं की जानी चाहिए कि किसान की बुद्धि और आत्मा और उसका हृदय सब एक समान होता है अभी मैं शरद जी एक छोटा सा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये सरकार के तरफ एक संदेश पहुंचा देना चाहता हूं अभी धार जिले में डैम टूटा 304 करोड़ का जिसमें मात्र 60-70 करोड़ लगाए गए डैम फूटा अभी एक फसल का मुआवजे का आकलन पूरा नहीं हो पाया है जबकि किसान की दो फसल बर्बाद होगी एक तो आपने पानी में बहा दिया पूरे खेत खराब हो गए दूसरा अब पानी चू की तालाब खाली हो गया है चलिए तो उमेश जी से मैं जल्दी से इस रिएक्शन ले लेता ले पाएगा उमेश जी पूछना चाहता हूँ कि किसान लच्ता का नुकसान ना हो

नहीं नहीं इसका मतलब शरद जी बिल्कुल यह नहीं है कि हम किसानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं रखते मैं बार बार कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था हम आहते वेदना से भरे हुए हैं कि किसानों की वहां पर गोली चालान के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हुई है मैं उस परिस्थिति का वर्णन कर रहा हूँ की जिन परिस्थितियों में यह हालात निर्मित हुए थे और इस हालात के निर्माण के पीछे कौन है जो वीडियो अभी शुरू में दिखाई दिया था इस तरह के जिन्होंने प्रायोजित ढंग से चीनता को उकसाया था बोल बोल लीजिए जल्दी से योगेश जी जल्दी से आपकी संवेदनशीलता प्रकट करना है तो अभी प्याज और लहसन के बारे में तत्काल मूल्य जारी करें के मामले में आप आप तत्काल ले तो हम मान लेंगे कि आप कितने करेंगे मुझे है। लगता, कि, है, मुझे लगता है कि इस पर इस पर जल्दी कुछ हमारे पास इनपुट्स हैं कि सरकार इस दिशा में कुछ बढ़ रही है और खासतौर से लहसुन की लहसुन को लेकर जो घटनाएं सामने आई हैं जल्दी इस मामले पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री इस पर कुछ डिक्लरेशन्स के साथ किसानों को राहत पहुंचाने के एक पैकेज के साथ सामने आएंगे लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सियासत क्या उन मुद्दों पर होती है जैसा हमने देखा मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद एक पार्टी जिस पर आरोप भी लगते हैं मैं नहीं कहता कितनी सच्चाई है लेकिन उसके कैंडिडेट जो हैं वो निकाय चुनाव में सफल भी होते हैं तो ये चीज़ें कहीं इनके तार जुड़ते तो नहीं हैं कि आप इमोशंस को क्रिएट करते हैं और इमोशंस को कई बार आप ऐसा प्ले करते हुए वहां तक ले जाते हैं जहां चुनौतियां बढ़ जाती हैं मैं राजनीतिक दलों की संवेदना को बिल्कुल मैं यहां अनुचित नहीं ठहरा रहा हूं लेकिन ये सवाल हम सबके सामने है और बहुत गंभीरता से इस पर विचार जरूरी है धन्यवाद उमेश जी धन्यवाद योगेश जी बहुत शुक्रिया योगीराज योगेश जी आगे देखिए अफसरनामा सीनियर आई भोपाल नगर निगम की एडिशनल कमिश्नर रिजू बाफना के साथ